नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोकसभा 2024 का चुनाव, तमाम पार्टियां अब तैयारी के मोड में उतर चुके हैं। कौन होगा एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री और कौन 2024 के चुनाव के पहले अपनी तैयारियों के मोड में उतरेगा। तैयारी 2024 और 25 के हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री बनाना है बिहार में एनडीए गठबंधन को, जिस तरीके से तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एक एक करके मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ रहा है, उसके पहले में 2024 का लोकसभा का चुनाव है। सभी अपने अपने कैंडिडेट को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में उतर चुके हैं, फील्डिंग सजाए जा रहे हैं। और देखिए, दो तीन दिन पहले हमने आपको एक खबर बताया था कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ सकती हैं काराकाट से, यानी कि अपने क्षेत्र से काराकाट में वो चुनाव लड़ेंगी। इसकी तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। एक तस्वीर हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत लाइव की खबर जो है वो अब पक्की खबर सामने आ रही है कि रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। तीन दिन पहले हमने आपको खबरें बताई थी और उस खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है कि रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र काफ़ी चर्चा का क्षेत्र है और वहां पर लालू प्रसाद यादव की बेटी, जिन्होंने अपने पिता को एक नया जीवन दान दिया किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, रोहिणी आचार्य का नाम सबसे ज़्यादा अगर चर्चा में रहा है तो वो लालू प्रसाद यादव की बेटी और उनके किडनी डोनेट के बाद से। यहाँ तक कि देश भर में चर्चा का केंद्र रोहिणी आचार्य के नाम का रहा था। और अब देखिए, अपने भाई तेज प्रताप यादव के साथ काराकाट के दाऊदनगर अपने गृह क्षेत्र में रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य की ये तस्वीर सुबह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि काराकाट के लोगों के बीच रोहिणी आचार्य ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी हैं। ठंड का समय है, कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है और कंबल वितरण के साथ साथ कई तरह की राजनीति सरगर्मियां बढ़ती हुई नज़र आती है और इन्हीं में से एक है रोहिणी आचार्य का काराकाट पहुंचना। आपको ये भी बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समधी और रोहिणी आचार्य के ससुर राव रणविजय सिंह की स्मृति में दाऊदनगर के हिच्चन बिगहा में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इसमें तेज प्रताप यादव पहुँचे हैं, उनकी बहन रोहिणी आचार्य पहुँची हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य को तेज प्रताप यादव उनके ससुराल में घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए। अब इन तस्वीरों से क्या अनुमान लगाया जाए, खबर अब पक्की है कि रोहिणी आचार्य के लिए पूरा लालू परिवार, पूरा राजद का जो तमका है वो लग चुका है। क्या होगा काराकाट में, एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन से उनकी चर्चा तेज है तो दूसरी तरफ महागठबंधन से रोहिणी आचार्य है। लेकिन एक चर्चा ये है कि महागठबंधन की सरकार में जदयू भी काराकाट से चुनाव की तैयारी कर रहा है। ऐसे में क्या लालू प्रसाद यादव के कहने पर रोहिणी आचार्य के लिए नीतीश कुमार इस सीट से अपने कैंडिडेट को नहीं खड़े करेंगे। हालांकि चर्चाएं तो रोहिणी आचार्य की तेज हो चुकी हैं कि वहां से वो चुनाव लड़ेंगी। क्या समीकरण बनता है, कैसे वो जीत हासिल करेंगी, इस पर चर्चाएं तेज है। लेकिन अभी से वो मेहनत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी हैं, क्षेत्र के लोगों से मिल रही हैं, बातें हो रही हैं, चुनाव पर चर्चा भी अंदर खाने में चल रही है। रोहिणी आचार्य क्या करती हैं इस पर तो चर्चा होगी, लेकिन महागठबंधन में बवाल तो तय मानिए, क्योंकि ये जदयू की सीट है और यहाँ से कई तरह की चर्चाएं महागठबंधन को लेकर के भी हो रही हैं। क्या नीतीश कुमार अपनी जो भतीजी हैं रोहिणी आचार्य उनके लिए सीट खाली करेंगे, ये चर्चाएं अब तेज हो जाएंगी। लेकिन जो प्रकरण वहाँ पर हो रहा है, किस तरीके से रोहिणी आचार्य मिल रही हैं, बातें कर रही हैं ग्रामीणों से, वो हम आपको तस्वीरों के साथ छोड़े चलते हैं। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सब मांग
सबसे ऊपर ये मांग है, सबसे लड़कों के ना मोहरत है जो इनको दीजिए पहले जबल के खराब मत रहा एक एक घर में एक ला हो ला लेकिन हट रहे लेकिन हट लेकिन हटो ले बच्चा लो हटो बच्चा लो साइड जा साइड जा चलो मैं खुद से लेकर तेज अभी थोड़े पहले निकल गया तेज निकल गया घर के लिए है सिपाही लोग तो है ही वहाँ पे लाइन फिर अपना घर वाला लाइन फिर कुछ ही है लोग दादा तो यहीं पे अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।